नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है फ्लैट। जो फ्लैट है ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर का है। इस फ्लैट के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस फ्लैट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँ। फ्लैट की जो फेसिंग है, जो एंट्रेंस है, वो नॉर्थ फेसिंग है। यानी फ्लैट की जो एंट्रेंस बनती है वो यहाँ से बनती है, जो कि नॉर्थ फेसिंग है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस आपकी बिल्कुल सही है। बाहर फ्रंट में एंट्रेंस के हिस्से में आपने कोई भी सामान नहीं रखना है। बाहर का एरिया यानी एंट्रेंस का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसी के साथ में, क्योंकि फ्लैट का साइज बड़ा है और इसमें एक सर्वेंट रूम भी दिखाया गया है, सर्वेंट रूम फ्रंट के भाग में ही दिखाया गया है, जिसकी एंट्रेंस बाहर से बनती है। ये एंट्रेंस बनती है वास्तुशास्त्र के अनुसार, ये एंट्रेंस भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर्वेंट का रूम बनेगा, इसमें जो सर्वेंट का बेड डालना है वो बेड आपने साउथ वॉल पर लगाना है। साउथ की ओर सिर होगा और नॉर्थ की ओर पैर होंगे। यहाँ पर जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने वेस्ट वॉल पर, यानी अलमारी जो बनानी है, वार्डरोब जो बनानी है, वो आपके अपनी इस रूम के वेस्ट वॉल पर आएगी। इसी के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है। अटैच टॉयलेट यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो टॉयलेट शीट लगानी है वो टॉयलेट शीट आपने नॉर्थ वॉल पर या साउथ वॉल पर लगानी है, जिसका फेस नॉर्थ की ओर हो या साउथ की ओर हो। आप ये भी टॉयलेट शीट लगा सकते हैं, कमोड लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपने कमोड लगा सकते हैं। ये फ्लैट रो है और इसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करना है। जब इसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करना है तो इसके अंदर जितनी भी बारीकियाँ हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार जितना सही कर सकते हैं उतना सही करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अपना सर्वेंट रूम बन जाता है। सर्वेंट रूम के अंदर जो आपने कलर करना है वो आप ग्रे कलर कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं और वाइट कलर भी कर सकते हैं। ऐसे ही टॉयलेट के अंदर भी ग्रे कलर, स्काई ब्लू कलर या वाइट कलर ही करना चाहिए। ये तो हमारे सर्वेंट रूम का सेटअप बनता है। नॉर्थ से एंट्री करने के बाद साउथ के भाग में लिविंग एरिया दिखाया गया है। लिविंग एरिया वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपने सिटिंग करनी है, सिटिंग आपने अपनी साउथ वॉल पर, यहाँ पर आपने एल शेप में अपनी सिटिंग बनानी है। ये आपके अपनी यहाँ पर सिटिंग बन जाएगी और इसी के साथ में यहाँ पर आपके अपनी टेबल आएगी। इसमें ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर फर्नीचर रखेंगे तो फर्नीचर का जो कलर होना चाहिए वो रेड कलर होना चाहिए, पीच कलर होना चाहिए या पिंक कलर होना चाहिए। जो आपका अपना लिविंग एरिया बनता है, लिविंग एरिया में जो वॉल कलर होना चाहिए वो आपका ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। साउथ के भाग में यानी जो आपकी लिविंग एरिया की साउथ वॉल बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर आपने जो कर्टन लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विंडो भी है और साथ में डोर भी है, यहाँ पर जो आपने कर्टन लगाने हैं, जो पर्दे लगाने हैं, वो आपके रेड कलर के होने चाहिए या लाइट पिंक कलर के होने चाहिए। इसमें आपने डाइनिंग टेबल कहाँ लगानी है, डाइनिंग टेबल आप लॉबी में यहाँ पर भी आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और डाइनिंग टेबल आप अपनी यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी डाइनिंग टेबल यहाँ पर भी आ सकती है, आपकी डाइनिंग टेबल यहाँ पर भी आ सकती है, ये दोनों डाइनिंग टेबल आपकी परफेक्ट है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट के बेडरूम के बारे में। जो बेडरूम साउथ वेस्ट के भाग में दिखाया गया है, इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है जो कि साउथ वेस्ट के भाग में आती है। ये टॉयलेट साउथ वेस्ट के भाग में बनती है। सबसे पहले तो जो रूम की एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस यहाँ पर दिखाई गई है जो कि बिल्कुल सही है, इस एंट्रेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस के बाद आपने जो बेड लगाना है, बेड साउथ वॉल पर, यहाँ पर आपने अपना
बेड लगाना है, सोते समय सिर साउथ में होगा और पैर आपके नॉर्थ में होंगे। आपने यहाँ पर जो अलमारी बनानी है, अलमारी आपने यहाँ पर वेस्ट वॉल पर, यहाँ पर आपने अलमारी बनानी है, वार्डरोब बनानी है। रूम के अंदर जो कलर होना चाहिए वो कलर वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। इस रूम में आपने एक अपने ड्रेसिंग भी बनानी है, तो वो ड्रेसिंग आप यहाँ पर इस भाग में बना सकते हैं। यहाँ से आपकी अपनी एंट्रेंस हो जाएगी। जो मिरर लगेगा आपका, मिरर आपका नॉर्थ वॉल पर आएगा या आप मिरर ईस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं। जो आपने स्टोरेज करनी है, अलमारी जो बनानी है, वो साउथ वॉल पर यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें जो कर्टन लगाना है वो कर्टन यहाँ पर पिंक कलर या क्रीम कलर का ही होना चाहिए, यानी ड्रेसिंग एरिया के यहाँ पर जो पर्दा यहाँ लगाना है और साथ में डोर के ऊपर पर्दा लगाना है वो पिंक कलर का होना चाहिए या क्रीम कलर का होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना बेडरूम है, बेडरूम के ठीक सामने, बेड के ठीक सामने यहाँ पर आप अपना टीवी भी लगा सकते हैं। यदि आपने अपने इस रूम के अंदर सोफ़ा लगाना है तो सोफ़ा आप अपना यहाँ पर भी लगा सकते हैं। टू सीटर थ्री सीटर सोफ़ा लगाना हो तो आप यहाँ पर अपना सोफ़ा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, जो आपकी अपनी टॉयलेट बनी हुई है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये टॉयलेट सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट के भाग में कभी भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। यदि फ्लैट है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो जरूर मिलेगी और फ्लैट के अंदर ज़्यादा चेंजेस करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर का है तो इसके अंदर हम जो बेस्ट रेमेडी कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपका साउथ वेस्ट का भाग है उसमें जो टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट का फर्श का लेवल पूरे घर के, पूरे फ्लैट के फर्श के लेवल से ऊंचा करना है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और साथ में इसके अंदर जो टाइल्स लगानी है वो मैट फिनिश की होनी चाहिए, ग्लॉसी टाइल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्लॉसी टाइल लगाते हैं तो उसमें मिरर बनता है, प्रतिबिंब दिखता है, वो गहराई को दर्शाता है। इसलिए साउथ वेस्ट के भाग में आपने ग्लॉसी टाइल नहीं लगानी है। टाइल्स का जो कलर होना चाहिए वो क्रीम कलर होना चाहिए या लाइट पिंक कलर होना चाहिए। इसमें जो शावर एरिया बनाना है वो शावर एरिया आपने यहाँ पर बनाना है और शावर जो लगाना है वो आपने नॉर्थ वॉल पर लगाना है। टॉयलेट शीट जो लगानी है, जो कमोड लगानी है वो आपने साउथ वॉल पर लगानी है, जिसका फेस आपका नॉर्थ की ओर होगा। वॉश बेसिन आपने ईस्ट वॉल पर लगाना है, यहाँ पर आपका अपना ईस्ट वॉल पर ही मिरर आ जाएगा, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार सही हो जाता है। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि साउथ वेस्ट में बनी हुई टॉयलेट का जो दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस प्रकार आप अपनी साउथ वेस्ट के भाग की टॉयलेट का दोष कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के भाग के में बने हुए रूम के बारे में। रूम की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से दिखाई गई है, ये एंट्रेंस आपकी बिल्कुल सही है और इसी के साथ में यहाँ पर एक कैबिनेट दिखाई गई है, वार्डरोब दिखाई गई है, ये वार्डरोब भी यहाँ पर चल जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बेड लगाना है, बेड यहाँ पर यानी रूम के साउथ वॉल पर लगाना है और सोते समय सिर साउथ में और पैर अपने नॉर्थ में करने हैं। बेड के ठीक सामने आप अपना टीवी भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर वार्डरोब बनानी है तो दूसरी वार्डरोब आप अपने यहाँ पर वेस्ट वॉल पर भी बना सकते हैं, ये वार्डरोब भी बना सकते हैं और बुक सेल्फ भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट का रूम है, इस रूम के अंदर जो कलर स्कीम रखनी है आपने, वो आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए और ग्रे कलर की होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार से सेटअप करते हैं तो आपका ये रूम बिल्कुल सही हो जाता है। इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है, जो कि आपकी रूम के नॉर्थ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है, ये टॉयलेट आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आपने WC लगानी है वो आपने नॉर्थ वॉल पर लगानी है और साउथ की ओर फेस करना है। इसी के साथ में आपका अपना वॉश बेसिन आ जाएगा और यहीं पर आपका अपना मिरर
लग जाएगा। नहाने के लिए जो एरिया बनाना है वो एरिया आपने अपना यहाँ पर बनाना है, इस स्टॉल पर आपका शावर आ जाएगा और टैप आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने इस बाथरूम का सेटअप कर सकते हैं। बाथरूम के अंदर जो आपने कलर स्कीम कर यूज़ करनी है वो ग्रे कलर या स्काई ब्लू कलर ही इस्तेमाल करनी है, यानी जो आप टाइल्स लगाते हैं वो ग्रे कलर या स्काई ब्लू कलर की होनी चाहिए। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, रूम के फ्लोर के लेवल से टॉयलेट का फ्लोर का लेवल आधा इंच नीचा तो हो सकता है लेकिन किसी कीमत पर ऊंचा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। अब इस रूम से निकलने के बाद आते हैं हम नॉर्थ के भाग में। यहाँ पर इनकी अपनी अपनी किचन बनी हुई है, ये किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। जब भी नॉर्थ के भाग में किचन आती है तो ये मान के चलिए उस घर के अंदर कभी भी पैसे का ठहराव नहीं होता है, पैसे के जाने के कारण हमेशा बने रहते हैं चाहे कारण कुछ भी बने। और आपका अपना व्यापार है तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में नए कस्टमर के आने के साधन भी नहीं बनते, यानी आपके साथ नए कस्टमर का जुड़ाव भी नहीं होता है, और जो आपके अपने पुराने कस्टमर होते हैं वो भी आपको प्रॉफिट नहीं देते, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी कम होता है और आपके यहाँ जो पैसा आता है वो पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च भी हो जाता है। उत्तर दिशा में जब भी गैस जलती है, गर्मी बनती है तो उस घर के अंदर पैसे का नुकसान होता है और साथ में जो घर के बच्चे हैं उनका भविष्य भी बनने में दिक्कत आती है और नए अवसर भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उत्तर की दिशा जल तत्व की दिशा है और यहाँ पर अग्नि के आने से जो हमें जल तत्व फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए नॉर्थ के भाग में कभी भी किचन को नहीं बनाना चाहिए। आपका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर का है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने इस किचन को नॉर्थ के भाग से हटाकर साउथ साउथ ईस्ट के भाग में, यानी इस रूम के अंदर लेकर जाएँ, या ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में इस रूम के अंदर लेकर जाएंगे तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके घर के अंदर हमेशा हेल्थ भी अच्छी रहेगी और घर में धन दौलत भी भरपूर रहेगी। तो आप इस रूम किचन को यहाँ से हटाकर इस रूम के अंदर लेकर जाएं। इसमें आपने ध्यान रखना है जब आप इस रूम के अंदर किचन बनाएंगे तो किचन में जो स्लैब डालनी है वो आपकी अपनी इस प्रकार से एल शेप में आएगी। यहाँ पर आपका अपना सिंक आएगा और यहाँ पर आपकी अपनी गैस आएगी, बर्नर आएगा। किचन के अंदर आपने लाइट ब्राउन कलर या ऑफ वाइट कलर या लाइट ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करना है, यानी जो आप फ्लोरिंग करेंगे वो फ्लोरिंग आप वुडन भी कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर भी कर सकते हैं और लाइट ब्राउन कलर भी कर सकते हैं और लाइट ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आपकी अपनी स्लैब बनेगी, यानी स्लैब के ऊपर जो पत्थर लगेगा वो भी आपका ग्रीन कलर आ सकता है, लाइट ब्राउन कलर आ सकता है, वुडन कलर आ सकता है। यानी जब आप यहाँ पर किचन बनाएंगे तो ये कलर स्कीम, यानी ग्रीन कलर, लाइट ब्राउन कलर, ऑफ वाइट कलर, वुडन कलर, सिर्फ यही कलर आपने इस किचन के अंदर इस्तेमाल करने हैं। इसी के साथ इस रूम के अंदर एक ये टॉयलेट दिखाई गई है, आपने ये टॉयलेट यहाँ से बिल्कुल बंद करनी है, इस टॉयलेट को यहाँ से हटाना है। इस टॉयलेट में आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। ये आपके अपने किचन बन जाएगी। किचन के अंदर जो फ्रिज लगाना है, फ्रिज आपका अपना साउथ वॉल पर, यहाँ पर आपका अपना फ्रिज आ जाएगा और इसी के साथ में आपका माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो भी सामान रखना है वो आपका अपना यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड रूम की, जो रूम साउथ साउथ ईस्ट के भाग में दिखाया गया। रूम की जो एंट्रेंस है ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रूम के अंदर बेड साउथ वॉल पर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर साउथ वॉल पर बेड नहीं आता तो आप बेड अपना ईस्ट वेस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं, लेकिन सोते हुए सिर आपका साउथ की ओर होना चाहिए, पैर आपके नॉर्थ की ओर होने चाहिए। आपने टीवी लगाना है तो टीवी आप अपना या नॉर्थ वॉल पर भी लगा सकते हैं और टीवी आप अपना ईस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है तो उसके लिए जो वार्डरोब बनानी है यहाँ पर आप अपनी वार्डरोब भी बना सकते हैं। ये रूम आपने गेस्ट रूम बनाना है। क्या करना है? इस रूम को आपने गेस्ट रूम बनाना है और इस रूम के अंदर जो कलर स्कीम होनी चाहिए वो कलर स्कीम आपके पीच कलर या लाइट पिंक कलर की ही होनी चाहिए। इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है जिसकी एंट्रेंस यहाँ से है। ये टॉयलेट आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट के भाग में जब भी टॉयलेट आती है तो घर के अंदर हेल्थ इश्यूज बनते हैं और फाइनेंस का भी लॉस होता है, क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट का भाग
अग्नि का भाग है, अग्नि का स्थान है, और यहाँ पर पानी आने से घर के अंदर हेल्थ इश्यूज बनते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो कहीं ना कहीं पैसे का भी नुकसान होता है। तो इसलिए इस रूम को आपने गेस्ट रूम ही बनाना है, क्योंकि गेस्ट ने कभी कभार तो आना है और कभी कभार इस टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। इस बात का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है। इस टॉयलेट के अंदर जो आपकी अपनी शीट लगी हुई है, वो शीट आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ये शीट आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉश बेसिन इस टॉल पर लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन भी आपका बिल्कुल सही है। इस टॉल पर ही आपका शावर एरिया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने इस फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो जो आपका रूम का फ्लोर का लेवल है, उसी के लेवल का आपका टॉयलेट का फ्लोर लेवल होना चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। डोर पर यानी दरवाजे पर आपने एक मार्बल की पट्टी लगानी है, दहलीज लगानी है, जिससे कि टॉयलेट का पानी आपके रूम के अंदर ना आए। टॉयलेट के अंदर भी आपने पीच कलर या पिंक कलर का ही इस्तेमाल करना है, यानी जो टाइल्स लगेंगी वो पीच कलर की या पिंक कलर की ही होनी चाहिए। तो ऐसा करने से इसका भी दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट के रूम के बारे में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में भी एक रूम बना हुआ है, ये रूम आप अपना मंदिर बना सकते हैं। यहाँ पर ईस्ट वॉल पर आप अपना मंदिर लगाएं। यहाँ पर जो मंदिर लगाएंगे वो मंदिर आपका वुडन होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। और जब आप यहाँ पर बैठकर पूजा करें तो आपका फेस ईस्ट की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस रूम के अंदर आपने एक गेट लगाना है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में एक डोर लगाना है, दरवाज़ा लगाना है, जिसकी एंट्रेंस आपकी बाहर की ओर होगी। यहाँ पर डोर लगाने से ये रूम आपका वास्तुशास्त्र के अनुसार सही हो जाता है। इस रूम के अंदर आपने जो कलर करना है वो ऑफ वाइट कलर ही करना है। और इस रूम के अंदर डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर जो कर्टन लगाने हैं, वो कर्टन आपके स्काई ब्लू कलर के होने चाहिए। इस रूम के साथ एक अटैच्ड टॉयलेट दिखाई गई है, ये टॉयलेट वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है, क्योंकि ये टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में आती है। इस टॉयलेट के अंदर जो कमोड़ लगी हुई है, आप उस कमोड़ को निकलवाएं और इस टॉयलेट को सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल करें, या यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो आपने कलर स्कीम इस्तेमाल करनी है, वो आपकी स्काई ब्लू कलर की होनी चाहिए। ऐसा करने से इसका भी दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने कमोड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपकी अपनी किचन नॉर्थ के भाग में बनी हुई थी, आपने इस किचन को यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट के भाग में ले गए हैं, तो ये एरिया आपका स्टडी रूम भी बन सकता है और साथ में आपका अपना एंटरटेनमेंट रूम भी बन सकता है। यदि आप इसको स्टडी रूम बनाते हैं तो इसमें जो अलमीरा बनानी है वो अलमीरा आपने साउथ वॉल पर बनानी है, यानी जो आपकी अपनी बुक सेल्फ है वो साउथ वॉल पर आ जाएगी। और जब आप यहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे तो आपकी जो चेयर है वो वेस्ट वॉल पर आएगी और आपके सामने आपकी अपनी टेबल आएगी। यानी जब आप स्टडी करेंगे तो आपका फेस ईस्ट की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट है तो इसी जोन में सभी की किचन बनी हुई होगी। किचन में जो बर्नर दिखाया गया है वो बर्नर यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बैठकर हम स्टडी करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिंक दिखाया गया है वो सिंक अपना यहाँ पर दिखाया गया है, तो यानी किचन में बर्नर से भी दूर हो जाते हैं और सिंक से भी दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर बैठकर स्टडी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको स्टडी रूम बनाएं तो इसका फर्श का लेवल लॉबी के फर्श के लेवल से आधा इंच नीचा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। किसी भी कीमत पर यहाँ का फर्श का लेवल ऊँचा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर यानी जब आप इसको स्टडी रूम बनाएंगे तो स्टडी रूम के अंदर वाइट कलर या लाइट स्काई ब्लू कलर का पेंट ही कर रहे हैं। ये तो हमारा अंदर का सेटअप हो गया। अब मैं आपको इसके बाहर के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट के भाग में लॉन है। फ्लैट से लॉन में आने की जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग से यहाँ से दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल सही है। इस लॉन के अंदर ये पूरा का पूरा लॉन आपका फ्लैट के फर्श के लेवल से नीचे है। ये लॉन आपका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा करना चाहें तो योगा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने फाउंटेन लगाना है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में इस जोन में आप एक अपना
फाउंटेन भी लगा सकते हैं। लॉन को हमेशा ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना है और इस लॉन के अंदर फालतू का सामान भी नहीं रखना है। यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया बनाना चाहें तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने का भी सिस्टम बना सकते हैं। अब मैं आपको साउथ के भाग में ओपन एरिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि साउथ का भाग भी ओपन है। तो आपने ध्यान रखना है जो हमारा साउथ का भाग ओपन है साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, इसमें जो फ्लोर का लेवल है वो साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक डाउन में आना चाहिए, यानी जो स्लोप है वो साउथ ईस्ट की ओर आपका नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट की ओर ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका साउथ वेस्ट का भाग ओपन है तो आप अपने यहाँ पर पूरे फ्लोर के लेवल से साउथ वेस्ट का भाग फ्लोर के लेवल में ऊंचा करें, यानी जो अपना ये लेवल है इस लेवल को आपने पूरे घर के फर्श के लेवल से ऊंचा करना है। ऐसा करने से आपके फ्लैट का वास्तु बहुत ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके फ्लैट का अर्थ एलिमेंट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है जो आपके घर का साउथ वेस्ट का भाग है वो हमेशा मजबूत हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। जब साउथ वेस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है तो घर में होने वाले छोटे मोटे वास्तु दोष को भी वो कवर कर लेता है। कारण क्या है कि इस फ्लैट के अंदर जो साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है, ये टॉयलेट घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेकर आती, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर साउथ वेस्ट के भाग में जो टॉयलेट बनी हुई है ये टॉयलेट वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती। जब साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट आती है तो घर के अंदर पति पत्नी में अनबन बनती है, उनके आपस में विचार नहीं मिलते। यदि हम यहाँ का फर्श का लेवल ऊंचा कर लेते हैं तो ऊंचा करने से अर्थ एलिमेंट और मजबूत हो जाता है, और जब अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है तो जो यहाँ पर टॉयलेट बनती है तो उसका इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है साउथ वेस्ट के भाग में जब भी टॉयलेट हो तो टॉयलेट का फर्श का लेवल पूरे फ्लैट के फर्श के लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए। और इसी के साथ जो आपका अपना ओपन एरिया, क्योंकि आपका अपना ग्राउंड फ्लोर है तो साउथ वेस्ट की टॉयलेट के फर्श के लेवल से ऊंचा आपका ओपन एरिया का फर्श होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी। और इसी के साथ साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान जरूर करनी है, यानी आपके यहाँ फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर आनी ही चाहिए। यहाँ पर फर्श की ढलान होती है तो भी आपके घर के अंदर खुशहाली बढ़ती है, हमेशा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपके अपने लॉन का एरिया है इसकी जो चार दीवारी है, इस चार दीवारी से साउथ की चार दीवारी, यानी साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक साउथ की चार दीवारी ऊंची होनी चाहिए। किससे ऊंची होनी चाहिए? जो लॉन की चार दीवारी है इससे ऊंची होनी चाहिए। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, साउथ की जो चार दीवारी है इस चार दीवारी के अंदर कोई भी डिज़ाइन इस प्रकार से ना बनाए कि इसके अंदर से हवा की क्रॉसिंग हो, यानी जो दीवार है दीवार के बीच में से हवा की क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। साउथ की दीवार जितनी मजबूत होगी, जितनी सॉलिड होगी, जितनी ऊंची होगी, उस घर के अंदर उतनी ही खुशहाली बढ़ेगी। आप अपना नया फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं या अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार काफ़ी दोष है तो आप हमसे वास्तु सलाह ले सकते हैं। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट को भेजकर उस पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप उस पर भी सलाह ले सकते हैं, और आप हमसे किसी भी साइट का वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है, और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर
225 के करीब, यानी 225 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर उनमें से अपने मतलब की कुछ ना कुछ खास जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।